जैपिक सर, आई लाइक योर लोगो, लोगो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। एक जगह और है, उसका मुझे रॉयल बाजार था, इंटरेस्ट था उसका, मुझे लोगो बड़ा अच्छा लगा। खैर बाय द वे, तो मैं आपको बताता हूँ अब सीन ये है कि इवेंट्स का मैं बता रहा था कि इवेंट्स क्या है। इवेंट्स बहुत ही एक ईजी चीज है। इवेंट्स ये होता है कि हमने कस्टमर से सिंपल क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इवेंट्स करते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है, इवेंट्स को इंस्टॉल कैसे करना है। अब ये देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुस्तफा बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा ये देखो, इवेंट्स का मतलब होता है, इवेंट मतलब होता है कि हम कस्टमर से क्या एक्शन, इसमें लॉजिक नहीं है कि आप लोगों से क्या करवाना चाह रहे हो। मैं आपको 10 मिनट में यार 10 रुपए की जाके मेरे लिए कैंडी ले आओ, ठीक है, या मैं आपको कहता हूँ कि मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, तो आप मतलब मैं आपके कुछ एडवर्टाइज मतलब पैसे देके कुछ चीज काम करवा रहा हूँ, तो हम यहाँ पैसे क्यों दे रहे हैं कि हम एडवर्टाइज करें, बस बात है, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, ठीक है। इवेंट्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब आपके पास ना ये देखो, ये डेटा सोर्सेज होते हैं, हमारे पिक्सल इंस्टॉल किए थे, पिक्सल हमारे इंस्टॉल करना, पिक्सल इंस्टॉल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल सी गेम है, सिंपल सी गेम है रे बाप भैया। अब देखो, अब हम उससे नीचे आएंगे तो यहाँ डोमेन एंड ब्रांड से क्लिक होता है, डोमेन एंड सुटेबिलिटी, ठीक है। अब डोमेन हमारी वेरीफाइड है, ठीक है, डोमेन सब कुछ वेरीफाइड है। अब उससे नीचे आना है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन में अच्छा उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब जहां आपका पिक्सल होगा ना, पिक्सल जहां पिक्सल पहले वेरीफाई हो जाएगा, आपने यहां लिखा हुआ है ओपन इन इवेंट्स मैनेजर, पिक्सल के अंदर ये साइड पे लिखा ओपन इन इवेंट्स में आपने कर देना। जैसे ही आप करोगे ना, तो ये आप लोग ऑल द वे फ्रॉम लंदन, चाहत फतेह अली खान, करोड़ों दिलों के जहां, ठीक है। ये देखो, अब जैसे ही आपने पिक्सल टाइम पिक्सल वेरीफाई करने के बाद इवेंट मैनेजर पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये मुझे इस तरह के एक पेज पे ले आएगा, ठीक है। अब इस पेज पे जब मुझे लेके आएगा ना, तो मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके डन कर देना है, गेट स्टार्टेड कर देना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह का पेज आ जाएगा इवेंट मैनेजर के अंदर। अब ये कह रहा है कि भाई टेडी ट्रोली इसको गोली मार दो, ये हमें चाहिए होता, ठीक है। ये जो शॉपिफाई का लिखा ना टेडी ट्रोली माई शॉपिफाई डॉट कॉम, ये हमें चाहिए भी नहीं, इसको आप इग्नोर कर देना है यहाँ से, अगर ये इग्नोर होता है तो, नहीं होता तो बाहर में जाए। एक्चुअल हमारी वेबसाइट कौन सी है, ये देखो, जहां डोमेन टेरिटोरी डॉट कॉम वाली वेबसाइट है, जो आपका जो भी है, जैसे प्रोडक्ट डॉट कॉम डॉट पिक किया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इवेंट्स 0 से लेके 8 तक, मतलब कोई भी इवेंट इंस्टॉल नहीं हुआ, पड़ा कोई भी इवेंट आपका इंस्टॉल हुआ ही नहीं पड़ा। 8 इवेंट्स होते हैं तो टोटली 8 एक्शन आप फेसबुक के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हो, लेकिन कोई भी एक्शन अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ पड़ा। आपने इस पर क्लिक करना है, मैनेजमेंट पर ले जाना है, एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेजमेंट पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करोगे ना, अब गौर से मेरी बात सुननी है, ये पेज आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एक दफा दोबारा देखना तो आप लोगों को समझ ली के क्या करना है। फ्री है ये वीडियो, आप लोग आप कर रही हो ना, वो सर रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ये नहीं रिकॉर्ड हो रही, नहीं सर मैं कर रहा हूं रिकॉर्ड, सर दोबारा रिपीट से कर दें लेक्चर, सर ये सेशन शुरू से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये देखो आप लोगों ने ये करना है, या बीएम में आ गए, हमारा पिक्सल जब इंस्टॉल हो गया था पिक्सल वेरीफाई भी हो गया, ये ग्रीन आ गया पिक्सल के ऊपर, ये ग्रीन हो गया बस, ठीक है, एक्टिव है पिक्सल। देखो उसने कहा पिक्सल एक्टिव हो गया, पिक्सल एक्टिव है, इस पे और इवेंट मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा, सिंपल मैंने क्लिक करना है इवेंट मैनेजर के ऊपर, तो ये इस तरह ले आएगा, ठीक है, मतलब इस तरह आ जाएगा। तो आपने इधर क्या जारी करना है, ये कह रहा है डोमेन वेरीफाई नहीं, इसको आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर वेरीफाई नहीं बता रहा, वैसे वेरीफाइड है डोमेन हमारी। अभी देखो, अभी कह रहे कि देखो इसने जब से पिक्सल इंस्टॉल किया ना, वेडनेसडे को हमने रात को 9 बजे पिक्सल इंस्टॉल किया था, तब से उसने देखो ऑडियंस कैच करना शुरू कर दिया, एक ऑडियंस आ रही है, मतलब पिक्सल डेटा फेच कर रहा है, अब 2 डेटा फेच कर रहा है, और एक पेज व्यू का और एक व्यू कंटेंट का, वो कह रहा है 2 ही तो आपके पिक्सल एक्टिव है, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होते हैं, शुरू से एक्टिव होते हैं, आपका पेज तो शुरू से एक्टिव है, क्योंकि वेबसाइट पेज के ऊपर बनी होती है ना, पेज ही होता है ना वेबसाइट, तो वेबसाइट का पेज व्यू पेज एक्टिव है और एक कंटेंट है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होता है, जैसे उसने क्रिस्टल हेयर मोड लगाया, वो कंटेंट ही है ना, तो वो एक्टिव है, शुरू से 2 एक्टिव है, बाकी हमने एक्टिव करने हैं। बाकी देखो यहाँ लिखा हुआ है ऐड इवेंट, ये मैं इस पे करूंगा, और इसने कुछ छेड़ा तो नहीं,
ये देखो सही, उसने कोई नहीं छेड़ा हुआ किसी ने, आप बिजनेस में सिंपल कर लिया आपके हो गया, जैसे इवेंट मैनेजर। अब देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि पिक्सेल कन्वर्जन एपीआई, पिक्सेल एपीआई, और यहाँ लिखा हुआ है एग्रीड इवेंट मैनेजर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एग्रीड एग्रीड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इतना मैं इंग्लिश में अच्छा लिखा, इतना अच्छा होता ना तो यहाँ ना होता। तो आप ये लिखा हुआ है कि आपने करना है, तो यहाँ लिखा हुआ कॉन्फिगर वेब इवेंट्स, कॉन्फिगर वेब इवेंट्स लिखा हुआ है, आपने सिंपल कॉन्फिगर वेब इवेंट्स क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये देखो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अरे जैसे ही तुम्हारे सामने भैया ये पेज आ जाएगा ना भैया, तुमने करना ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला territory.com जो तुम्हारे डोमेन का एक्चुअल है, जो .com वाला है, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ मैनेजमेंट पे तुमने भैया क्लिक करना है, और यहाँ एडिट आया होगा, एडिट पे फिर क्लिक करना है। सिंपल, एडिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज आ जाएगा। अब आपने इधर इवेंट ऐड करना है, इवेंट्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, सिंपल कुछ भी नहीं, ये लिखा हुआ ऐड इवेंट, इस पर क्लिक किया, ये देखो उसने क्या किया, अपना पिक्सेल, पिक्सेल जो आपका एक्टिव होगा, यहाँ मेरा बता रहा है कि मेरा एक पिक्सेल बना हुआ है। ये कैसे पता लगेगा, बिजनेस सेटिंग में ना ये देखो नंबर लिखा हुआ है, पिक्सेल कोड एंड पे 041 है, ये मतलब आपका एक्टिव है। अगर आपने 3-4 पिक्सेल बनाए तो देखना आपका एक्टिव कोड है, ये आपका एक्टिव पिक्सेल है ना 041, आपने एक्टिव पिक्सेल के ऊपर देखना है कि यहाँ से आपने पिक्सेल कलेक्ट करना है। ये देखो 041, ये मेरा पिक्सेल कलेक्ट हुआ। पहला इवेंट चूज करना है, सबसे पहला इवेंट एड पेमेंट होगा, एड पेमेंट इन्फो का पहला इवेंट आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, इसको अप्लाई कर, से ये सिलेक्ट हो गया सिंपल। फिर आपने दोबारा ऐड इवेंट पे क्लिक करना है, फिर यहां से दोबारा चूज करना है, टेरिटोरी का पिक्सेल 1 सिलेक्ट करना है, और यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि ऐड टू कार्ट, पहला ऐड पेमेंट इन्फो, दूसरा ऐड टू कार्ट, फिर दोबारा इवेंट ऐड करना है, दोबारा इवेंट ऐड करना है, फिर दोबारा टेरिटोरी का पिक्सेल 1, और यहां इवेंट ऐड करना है, ऐड यहां से आपका आ जाएगा परचेज पेमेंट, ये तीसरा इवेंट आ गया परचेज पेमेंट, ठीक है, परचेज ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फिर दोबारा ऐड इवेंट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद दोबारा यहां से अपना पिक्सेल सेलेक्ट करना है, तो यहां आ जाएगा आपका व्यू कंटेंट, और एक और पिक्सेल आपने ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करो, सॉरी ये लिंक कर दो, दो ऐड हो गए, ऐड पे क्लिक करो, अपना पिक्सेल सेलेक्ट किया, और यहां से आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ये ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ये पांच इवेंट, पहला ऐड पेमेंट इन्फो, दूसरा ऐड टू कार्ट, तीसरा परचेज, चौथा व्यू कंटेंट, और पांचवा ऐड टू विशलिस्ट का, ये पांच इवेंट से ऐड वो किए, ऐड किए, सिंपल इनको क्या करना है, इनको सिंपल अप्लाई कर देना, और यस आई कंफर्म द चेंजेस पे क्लिक करना है, इस पे अप्लाई करना है, आपके इवेंट्स इंस्टॉल, ये देखो यू हैव सक्सेसफुली चेंज इन इवेंट कॉन्फिगरेशन, इवेंट विल बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली, विल बी चेंज, चेंजेस विल बी अप्लाइड टू eventbrite.com। अब हम चलते स्टोर की तरफ, अब स्टोर के अंदर भी दो चीजें ऐड करनी है, अब गौर से करना, अब ये पेमेंट मेथड हो गया, यहाँ तक आपने यहाँ, अच्छा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ना, यहाँ तक वीडियो बंद कर दे, नई वीडियो रिकॉर्ड करे, यहाँ किसी ने बोलना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं कर, जो बंदा